हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नवंबर में तब्दील दिल्ली एनसीआर का वो छटपटाता हुआ वक्त यहाँ रहने वाले लोगों ने कैसे बिताया वो यहाँ रहने वाले ही बयां कर सकते हैं। उस दौरान एक बहस उठी थी पराली जलाने को लेकर। अब ऐसे में किसानों के खिलाफ कृषि विभाग ने कमर कस लिया है और बनाई है ब्लैकलिस्ट। इस तरह की आग की लपटें याद होंगी आपको, हवा में घुला धुआं याद होगा आपको, दिल्ली एनसीआर में बढ़े प्रदूषण पर हाहाकार याद होगा आपको, उस वक्त उठा सवाल और बवाल भी याद कर लीजिए। अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सख्ती दिखाई है, ऐसे किसानों की एक ब्लैक लिस्ट बनाई है और उन्हें समय समय पर मिलने वाले कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने का फैसला किया गया है, क्योंकि इन्होंने कृषि अवशेषों को कभी न कभी जलाया है। सरकार की तरफ से सख्ती हिदायत दी गई है, जैसे हमारे पास अब पीछे मूंग की मिनी किट आई हुई है और उसकी गाइडलाइन में साफ साफ दर्शाया गया है कि जिस किसान ने भी फसल अवशेष जलाए हैं उस किसान को इस स्कीम का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। और आगे भी सरकार, और जैसे आपको भी पता है कि एनजीटी बहुत सख्त है इस चीज़ पे और गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सख्त है, और जो आगे है आगे भी जो भी स्कीम आएगी कृषि विभाग में उसमें साफ ये चीज़ दर्ज की जाएगी। कृषि अवशेष जलाने वाले किसानों के प्रति विभाग ने शिकंजा कसना तो शुरू कर दिया। फिलहाल समर मूंग का बीज भी उन किसानों को जो मुफ्त मिलता था अब नहीं मिलेगा। इस पर किसानों की प्रतिक्रिया क्या है सुनिए। ये जो किसानों के साथ में बड़ा अन्याय हुआ है, जब किसान मुकदमा दर्ज हो गया उसके लिए पैसे भरे हैं जवान के, प्रदूषण तो बहुत चीज़ों से फैलता है, गाँव के नज़दीक सभी बढ़ते हैं उनसे कितना प्रदूषण, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ दिख रही हैं। ये तो किसान के साथ में अन्याय हुआ, दोहरी मार रही है किसान के साथ में। जो किसानों को ब्लैक लिस्ट सरकार ने किया गया है, ये कि किसान विरोधी फैसले हैं, सरकार को इसको गंभीरता से किसानों के हक में लेना चाहिए। और जिन्होंने पराली जलाई थी तो उनके लिए मुकदमे भी दायर किए गए हैं और उनको सरकार ने पराली के समाधान करने के बजाय किसानों के आम जनता के विरुद्ध में फैसला ले रहे कि इसके लिए निंदनीय है, और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि किसानों के हक में फैसला लिए जाए। किसानों के साथ साथ किसान यूनियनों ने भी इस पर अपनी बात रखी है। ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला हरियाणा सरकार ने नहीं माना है और वो फैसला मानने से पहले किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं और अब कहते हैं कि उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे, ये बिल्कुल तानाशाही है। ये तो सच है पराली जलाने से प्रदूषण होता है, ये भी सच है इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि प्रशासन ने अब तक क्या वो मदद किसानों तक पहुँचाने में कामयाबी हासिल की है जो मदद उनको कृषि अवशेषों के निपटारे के लिए पहुंचानी थी। रादौर से कुलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और बाकी के प्रदेश संयोजक बाबूराम हमारे साथ जुड़ गए। बाबूराम जी बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार बाबूराम जी, जिस तरीके से फैसला लिया गया है, एक ब्लैक लिस्ट तैयार की गई है, किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? सर ऐसा है, किसान तो पहले ही जो है मरा पड़ा है, किसान को तो सरकार जो है थोड़ी बहुत ही जो ऐड देख रहा थी वो भी बंद करने जा रही है, जैसे कि अब पता लगा है। क्योंकि किसान को जो सब्सिडी के रूप में या बोनस के रूप में कुछ भी थोड़ा बहुत मतलब उसका हाथ बताया करती थी, आज पता चला है आपके माध्यम से कि वो भी वो बंद करने जा रही है सरकार। इस किसान के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वैसे तो ये कहते हैं राजनेता कि हम किसान को बहुत कुछ देने जा रहे हैं, दे रहे हैं,
पर ऐसा कुछ नहीं है जी। किसान को तो उसका जो खर्चा आता है वो भी वापस नहीं होता है फसल पे, तो इसलिए किसान जो है मरने के कगार पर खड़े है। इसलिए किसान की जो दशा है बहुत दैनिक है जी। बाबूराम जी, आप क्या चाहते हैं, आप प्रशासन से, विभाग से, सरकार से क्या चाहते हैं आप किसान? अभी क्या मांग है आपकी अब सरकार से? मेरी ये सरकार से और प्रशासन से ये मांग है कि किसान को उसका न्यूनतम मूल्य ना देकर उसको लाभकारी मूल्य दिया जाए, ताकि किसान जीवित रह सके, देश की जनता के लिए, राष्ट्र के लिए और अन्न दूध सब्जियां पैदा करता रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा जैसा कि सरकार की सोच है, तो एक भी किसान नहीं बचेगा। किसान किनारे पर खड़ा है, मरने के कगार पर है। सब लोग, जितने भी किसान हैं, खेती करने वाले, सब कर्जे के नीचे डूबे हुए हैं जी। बहुत शुक्रिया बाबूराम जी आपका हरियाणा न्यूज से बातचीत के लिए।